तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, दोबारा ऐसे कोई क्राइम नहीं हुआ है। क्राइम करने की आदत कम बदलती है, शहर बदले जा सकते हैं। वो पक्का शहर छोड़ के चला गया, उसे ढूंढने के चांसेस ना के बदल। मेरा दिल कहता है इससे कुछ ना कुछ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। कैसे मिलेगा इंसाफ? उसके लिए जाना पड़ेगा ना इमाम बड़ा। तुम्हारे स्कूटर बाइक से चलें क्या? कोई इन्फॉर्मेशन है किससे बात करनी पड़ेगी इमाम बड़ा में? लिटिल फ्लावर्स ऑर्फनेज जी, ये लीजिए। हमने ही उन्हें सारी चीज़ें भिजवाई थी। दिसंबर के महीने में कब्रिस्तान की दीवार थोड़ी आगे तक बढ़ा दी गई। उसी वक्त एक अल्मुनियम का बक्सा मिला था, खुदाई के वक्त। और ये जो टोपी है आपके हाथ में, ये भी उसी में मिली थी। कुछ और था उस ट्रक में? उतना तो याद है नहीं। जो भी काम की चीज़ थी सब यतीम खाने को दे दी, और बहुत सी चीज़ें ख़राब हो गई थी उसे फेंक दिया। अल्लाह जाने कब से पड़ी हुई थी उसमें। 8 साल से। आपको कैसे मालूम? हेल्प के लिए थैंक्स। अरे नहीं, ठहरो, अभी थोड़ी सी हेल्प बाकी है। ये जो ट्रंक बक्सा जहाँ मिला, इसकी एग्जैक्ट जगह आप दिखा सकते हैं? शायद वहाँ कुछ गड़ा हुआ मिले। वहाँ पे सिर्फ कब्रें ही कब्रें हैं, लोग दफन हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये इमाम बाड़ा का हिस्सा बनने से पहले ये जमीन किसकी थी? रिकॉर्ड्स चेक करना पड़ेगा। अभी भी अपने दमाद के लिए प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, बस शाज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वो तो अमेरिका में ही, 25 साल से ऊपर हो गए। ये भाग दौड़ पेपर वर्क ये सब मैं ही करता हूँ जी। बड़ा मुश्किल है NRI से डील करना। लेकिन हमने तो सुना था कि अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उन्होंने डोनेट किया था इमाम बाड़ा को। हाँ बिल्कुल किया। हाँ तो पिछले साल जब आए थे इसी के लिए तो आए थे। जमीन जो है इमाम बाड़ा को दे दी और ये काम मुझे दे दिया। 8 साल पहले, मतलब अक्टूबर में, उनमें से यह कोई था? नहीं, कोई नहीं था।